इस समय कोरोना को लेकर एक चर्चा चल रही है, जिस तरह ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके ऊपर हर कोई एक्सपर्ट अपनी राय दे रहा है, और इसी बीच एक और चीज सामने आई है जिसमें थर्ड वेव के बारे में जिक्र किया गया है, और यह भी कहा गया है कि फरवरी 2022 तक वो इंडिया को हिट करेगा। यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं सेकेंड वेव के लिए भी उन्होंने अलर्ट किया था, और अब थर्ड वेव के लिए भी पूरी तरह से अलर्ट किया गया है, और यह भी कहा गया है कि फरवरी के महीने में, क्योंकि अब जब अपकमिंग जो फरवरी आ रही है नेक्स्ट ईयर की, तब कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, उसके लिए अलर्ट किया है। एक आईआईटी साइंटिस्ट जिनका नाम महिंद्रा अग्रवाल है, उनके द्वारा एक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन जो है वो की गई है, और वो इन चीजों के बीच में इन्वॉल्व रहते हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि फरवरी 2022 में इंडिया के अंदर कोरोना हिट कर सकता है, कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है और अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि इसके बीच में कई चीजें ये भी कही गई हैं कि जो कोरोना की ये जो थर्ड वेव होगी ये माइल्डर होगी सेकेंड वेव के मुकाबले, यानी कि सेकेंड वेव के मुकाबले ये माइल्डर होगी, और घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको अलर्ट रहना है। और जिस तरह ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरी तरह से जो एक चर्चा है वो भी चल रही है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए अब लगभग एक साल से ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है, और पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। और आपको हम बता दें कि इसमें यह भी बताया गया है कि जो पीक यहाँ जो फरवरी के मंथ में अगर केसेस की बात की जाए तो वो हिट कर सकते हैं और वो पीक पे जा सकते हैं, और जो उसकी एक नंबर जो रहेगा वो 1 से 1.25 लाख के बीच में एक दिन में हो सकता है कि रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आप अलर्ट रहें। एक आईआईटी के साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके द्वारा अलर्ट किया गया है। इससे पहले जब वेव सेकंड आई थी, और आपको याद होगा कि काफी ज्यादा एक क्योस की सिचुएशन रही थी पूरे भारत के बीच में, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि 100 दिन काफी क्रूशियल हैं, इन 100 दिनों के बीच में पूरी तरह से आपको अलर्ट रहना है, कोई भी चूक नहीं करनी है। उसके बावजूद भी जो मामले थे वो आए थे, और कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स द्वारा प्रेडिक्शन की गई थी या उनका जो एक अनुमान था वो सामने आया था, और केसेस जो नंबर ऑफ केसेस थे वो बड़े थे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए सरकार कहती है, और जो एक चेन होती है उसको ब्रेक करने के लिए भी पूरे प्रयास जो है वो किए जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगाया गया या कंटेनमेंट जोन्स बनाई गई, उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाई गई, और उसके साथ साथ आपको खुद से भी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिखानी है। भले ही आप वैक्सीनेशन आपने लगवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाना है। दूसरी तरफ एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर आम आदमी के ऊपर सारे कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो गैदरिंग होती हैं उसके ऊपर भी एक चेक रखने की जरूरत बनती है। तो ये सारी चीजें आपको ख्याल में रखनी है, और कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है, आगे की ओर बढ़ना है, और वो तभी बढ़ पाएंगे जब आप पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।